नमस्कार, एकेएस विश्वविद्यालय की खबरों के साथ मैं हूं शुभ्रा। विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए और हिंदी का महत्व प्रतिपादित किया। देश में ये ऐसा नहीं है कि केवल हमारी यूनिवर्सिटी में आयोजित हो रहा है, विभिन्न प्रांतों में भी हो रहा है, क्योंकि जहां तेलुगु भाषा बोली जा रही है वहां पे मातृभाषा उनकी तेलुगु है, जहां तमिल बोली जा रही है वो तमिल है, जहां कन्नड़ बोली जा रही है वो कन्नड़। तो ऐसा वहां की मातृभाषा भी समृद्ध हो, ये उद्देश्य है। और इसी प्रयोजन से ये कह सकते हैं कि हम लोग, अधिकांश लोग मध्य प्रदेश के निवासी, हिंदी भाषा का, देवनागरी लिपि का प्रयोग कर रहे हैं। देवनागरी लिपि से ही हम अपना लिखने पढ़ने का काम करते हैं के रूप में अपनाए हैं। और ये हमारी गौरव की बात है कि बहुसंख्यक लोग हिंदी में ही बात करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, और ये अब राष्ट्रभाषा घोषित हो गई है। और बैरागी ने जैसा कहा कि वो राजभाषा भी घोषित हो गई है, और उस भाषा का मातृभाषाओं से बहुत लगाव है, बहुत अच्छा संबंध है। उसमें पाम ट्री बनाया, क्या बनाया, पाम ट्री क्रिएट किया, और शेडोज में इधर और साइड में ये दे दिया आपने, यहाँ पे पिंजरा टाइप का बना करके पंछी का पिंजरा बना दिया। तो ये आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है। आप अपनी क्रिएशन से इसमें कुछ भी बना सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, कॉलेज का स्लोगन लोगो बना करके इसमें कुछ भी स्लोगन दे सकते हैं पेपर वर्क में। और इसमें आप जो मैंने आपको शिल्पकार का यूज बताया, मैम ने आपको यहाँ पे बताई शिल्पकार हम कैसे यूज करेंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। विश्वविद्यालय की गतिविधियों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।